अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जान सारी और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी सी मेरी अम्मी अंसारी। ठीक है, और मेरी अम्मी यहाँ पे आपको रोज रेसिपी सिखाती है। आज मैं फ्री था तो अम्मी कहती तुम भी साथ आ जाओ। तो आज हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे अम्मी? आलू बैंगन आलू बताऊ बनाएंगे, जैसा कि अम्मी घर पे कहती है। आलू बताऊ बनाएंगे, 1 किलो के करीब बैंगन है, आलू है। और घर पे नॉर्मली हमारे जो पंजाब में किस तरह से रेसिपीज को बनाया जाता है, किस तरह से चीजों को, मतलब मेरा तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन अम्मी आज आपको अपने तरीके से सिखाएंगी। वीडियो में आपने कमेंट करके बताना आपको रेसिपी कैसी लगी आज की। ठीक है, तो रेसिपी शुरू करते हैं। मारी शुरू हो जाओ। ठीक है, कटिंग नहीं की थी? कटिंग मैं की थी। ये बड़ी खास बात है कि हमारी अम्मी ने ही कटिंग की सारी। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए जरा करीब से, माशाल्लाह से सेम साइज के सारे जो आलू हैं उन्होंने कट किए हुए हैं। और अच्छा, अभी अम्मी ये छोटे साइज के आलू कट करती है। आज से ना काफी साल पहले जब हम छोटे होते थे तो अम्मी बहुत बड़े साइज के आलू, मतलब एक आलू होता है ना इतने साइज का, बीच में से दो करके पूरा इतने बड़े आलू वो काटती होती थी। लेकिन उसका मजा भी अलग होता था, शायद वो टाइम अलग था। और तुम्हें पता, अभी भी अम्मी कह रही थी कि किसी दिन ना आलू गोश्त बनाना है, बड़े बड़े आलू काट। हाँ, तो एक ही मतलब कटोरी में एक आलू काफी होता है एक बंदे को, या एक आलू के दो पीस और साग गोश्त का जो भी पीस हो, तो वो बड़ा मजा आता था। रवायती सी चीज का अपना ही मजा होता था। तो चलें जी शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पाने प्याज, प्यालियों को अच्छे से साफ करके। और हाँ, हो गई। चलें जी, यहाँ पे अब प्याज के ऊपर थोड़ा सा आपने गोल्डन कलर आने देना है, ब्राउन नहीं, ठीक है। जस्ट आपने इसको सौते करना है। और उतनी देर में ये देखे अम्मी जान खड़ी हैं, इनको मैं बैठाऊंगी और आप सारा बाकी का काम है जो मैं करूंगी आज। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मेरे किचन में किस तरह से चार चांद लगे हुए हैं। अम्मी जान भी हैं और मेरा शहजादा भी है। अच्छा, कुछ रेसिपीज में ना प्याज की एक थोड़ी सी केमिस्ट्री होती है, कुछ रेसिपीज में हमें ये ब्राउन चाहिए होती है। ब्राउन मतलब जो प्योर ब्राउन होता है, कुछ में गोल्डन चाहिए, जैसे कोरमा शोरमा है ना, बिरयानी है, उसके अंदर फिर डार्क फ्लेवर चाहिए होता है इसका, तो इसलिए उसमें ज्यादा ब्राउन किया जाता है। लेकिन ये जो हमारी सब्जियां है ना, इसमें प्याज को कभी भी डार्क ब्राउन नहीं किया जाता, बल्कि ब्राउन ही नहीं करते, जस्ट इसको सॉफ्ट सा सौते सा करते हैं। हाँ, गोल्डन कर लेते हैं, उससे ये सॉफ्ट भी हो जाता है और इनका एक बहुत तेज जो फ्लेवर होता है वो भी रेसिपीज के अंदर नहीं आता होता। तो दिखने में आपको सब रेसिपीज एक जैसी लगती होगी पर एक जैसी होती नहीं है, बिल्कुल चीजों को टेस्ट को पूरा बैलेंस किया जाता है। तो ध्यान से देखा करें हमारी अम्मी की वीडियोस को, बहुत ही प्यार के साथ आपके लिए बनाती हैं। बड़ा अम्मी से लोग प्यार करते हैं, अम्मी से बहुत लोग प्यार करते हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह मेरे से, मेरी बाप को पता, मेरी बर्थडे आने वाली है 27 दिसंबर को। इंशाल्लाह एक अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, मेरे चैनल पे भी, अम्मी के चैनल पे भी वीडियो आएंगी। आपने जरूर बताना है कि कैसी आपको लगेगी, मतलब वो हम बनाना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करेंगे। तो इजाज की 27 है और मेरी 25 है। हाँ, मारिया की सिस्टर की है 25 को, भाई प्याज की 26 को, मेरी 27 को, लेकिन तीनों की हम 27 को एक साथ ही करते हैं। हाँ, सेलिब्रेट करते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश है तब तक मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, और आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे भी आजकल काम शुरू किया, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करें, इंशाल्लाह अम्मी का भी इंस्टाग्राम में बनाने लगा हूँ, वहाँ भी आपने अम्मी को फॉलो करना चाहते हैं, छोटी छोटी आपको स्टोरीज वगैरह जो है वो शेयर करेंगे। चलिए, यहाँ पे प्याज जो है वो हमारा गोल्डन हो रहा है, बहुत प्यारा बेटा मेरा। दुश्मनी साढ़े ना लिए। हाँ, बहुत प्यारा बेटा, दुश्मनी साढ़े ना लिए, सबको पता है, लाडला से बेटा। चल ठीक है, मैं कार्ड पे मैं फिर चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओके जी, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, प्यार से कमेंट जरूर करिएगा, और मुझसे भी कोई क्वेश्चन पूछना बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चलिए जी, यहाँ पे कटा हुआ जो अदरक लहसुन था स्पेशल फ्रेश कटा हुआ, वो मिजान ने इसमें शामिल कर दिया है, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा और गोल्डन कलर आने देंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो हमारे लहसुन अदरक और प्याज हैं वो सौते हो चुके हैं, और अम्मी जान अब इसके अंदर क्या शामिल करना है? टमाटर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं, थोड़ा सा आपने इनको भी सॉफ्ट होने देना है। चलें जी, अब यहाँ पे अम्मी जान इसके अंदर शामिल करेंगी पाउडर मसाले, और ये देखें यहाँ पे जो टमाटर है ना, आपने इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ठीक है, इनको आपने जस्ट इतना सा ही सॉफ्ट करना है। चलें अम्मी जी शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है,
हाफ टेबल स्पून नमक और एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर, ठीक है। चले जी, माशाल्लाह पांडे नाली खुशबूइयां आ गई हैं। अब आलू, चले जी अब यहाँ पे अम्मी जान इसके अंदर शामिल करेंगी पाउडर मसाले। और ये देखिए यहाँ पे जो टमाटर है ना, आपने इनको ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ठीक है, इनको आपने जस्ट इतना सा ही सॉफ्ट करना है। चले अम्मी जी शामिल करें। एक टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, हाफ टेबल स्पून नमक और एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर, ठीक है। चले जी, माशाल्लाह पांडे नाल ही खुशबूइयां आ गईयां ने। अब आलू, आलू ना पानी च रखे हो ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर है, बिल्कुल परफेक्ट आलूओं का। इसका रीजन ये है कि इसको काट के नमक वाले पानी के अंदर रखा था, ठीक है, और इसी तरह से फिर इसका कलर रहेगा, ये चेक करें। वरना ये होता है कि आप काट के रखें आलू तो बड़ी जल्दी इसके ऊपर ब्लैक कलर आ जाता है। अब इसकी यहाँ पे चौकस किस्म की 5 मिनट के लिए अम्मी जान करेंगी भुनाई। हाँ जी अम्मी जी, बेटा जी आलू तो कले चंगी तरह भुनो मजा बनता है। इस तरह गोशत का है ना, गोशत होया आलू है कोई भी सब्जी है वो जिन्नी देर भुनी है ना उन्ना च मजा ही नहीं बनता। चलिए जी इसको 5 मिनट भून के फिर आपसे दोबारा मिलते हैं जी। माशाल्लाह अपने आलू भुन गए। हाँ हाँ, चलिए जी यहाँ पे इससे पहले मसाला बनाया जी, ठीक है। अब इसमें बैगन डाल लें। हाँ जी, तो ये देखें जी यहाँ पे बैंगन जो है उनको भी काट के पानी के अंदर रखा हुआ था ताकि इनके ऊपर ब्लैक कलर ना आए। ब्लैक हो गया फिर ना अच्छे ही मिले। ओके ओके, बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हैं सब्जी की, ये देखिए इस तरह से। और मसाला अच्छी तरह से ऊपर आपने कोट होने देना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इसमें पानी फिर शामिल करेंगी, कितना, थोड़ा सा, थोड़ा जस्ट एक चौथाई कप। बिस्मिल्लाह, ओके, हाँ ठीक हो गया, रहना खाना आलू निकलना है। ओके, हूँ देने टक्का। चलें जी, पानी डाल के हांडी के ऊपर लगा दिया है ढक्कन। और अब यहाँ पे अभी जान कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? 5 मिनट पकन देना, कम से कम 10 मिनट लग देने, फिर इन्हें भुनाएंगे तो फिर पकन दे। ओके चलें जी, यहाँ पे 10 मिनट इसका वेट करेंगे, पहले फ्लेम थोड़ा सा तेज फिर थोड़ा स्लो करेंगे जी। अम्मी जी, बेटा जी अपने आलू तुम पक गए। ओके ये देखे जी, तो आलू बताऊं जो है ना, आलू बैंगन, इनको पकाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से। मैंने कुछ दिन पहले इसकी रेसिपी शेयर की थी जिसमें बनाए थे ये पहले फ्राई करके, ठीक है, तो इस तरह से भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और पर्सनली मुझे जो बैंगन इस तरह से पके होते हैं ना ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। वो जो फ्राई करके बनाए थे वो भी मज़े के थे मगर ये ज़्यादा मज़े के थे। और अब ये बिल्कुल पक चुके हैं, अब अम्मी जान इसमें शामिल करेंगी हरी मिर्चें इस तरह से बड़े साइज़ की काट के, और इसके साथ ही हरा धनिया भी शामिल करेंगी। चलें जी, और इसको, हाँ अब इसको हमने दो तीन मिनट के लिए इसको पकने देंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब, ये देखें, ये देखें जी आलू बैंगन वैसे ही बड़े हेल्दी होते हैं माशाल्लाह, और पूरा साल इनका सीजन होता है, पूरा साल ये आपको मिलते हैं, ठीक है, गर्मियां सर्दियां, तो आप इसे जरूर बनाया करें, जरूर खाया करें।
ये चेक करें जी, ठीक है। दो मिनट इसको हमने पकने दिया है हरी मिर्चें डालने के बाद स्लो फ्लेम के ऊपर। और ये माशाल्लाह चेक करें, जो आलू बैंगन है बहुत ही मज़ेदार वो हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखें जी। और ये देखिए आलू टूट रहा है, अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अम्मी जान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन्होंने बहुत मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा टेस्टी। ठीक है, अभी फ्लेम बंद कर दो। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।